तो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एपीएस गेमिंग में। तो आज हम एक और गेम प्ले शूट करने वाले हैं, जिस गेम का नाम है देन द मैन। ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। इसकी ग्राफिक मत जाइए, इसके गेम प्ले एकदम शानदार है। तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है हमारी एज कितनी है, तो मैं एज डाल देता हूँ इसकी। ये 1 है 1 13। ओके, यहाँ पर मैंने कर देता हूँ मैं इसको ओके। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे डैन लूँगा, मैं इसको बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डैन ही लेना है क्योंकि ये लड़का है। वैसे अगर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग गेम चाहिए जिनका इसका साइज़ भी बहुत कम है, 66 MB का, आप इसको आराम से डाउन कर सकते हैं। इससे ये भी पता चलता रहेगा कि पबजी, फ्री फायर इन सबसे भी बढ़ के कोई गेम है। वो यहाँ पर लोग गुलामी कर रहे थे, फिर एक ने बगावत कर दिया, सब बगावत कर दिए, सब लोग इधर उधर भागने लगे। तो वो अच्छा, ये सब बगावत की हैं। ओ लगता है यहाँ पे हमारी मेन स्टोरी लाइन शुरू होगी। चलो, ये हमें पीछे नहीं जा सकता मैं, ये लगता है हमें सिखा रहा है कैसे खेलना है। ठीक है, ये जंप करना सिखा रहा है, ये तो बहुत आसान है। मैं ये कॉइन लेना चाहूँगा। ओ नो, थोड़ा मेरा कॉइन रह गया, मैं एक भी कॉइन नहीं छोड़ता, ये मेरी आदत है। थोड़ा सा मारियो जैसा लग रहा है, लेकिन आप इससे क्या मतलब। अरे वाह चिड़िया, मतलब चिड़िया को। ओ यहाँ पे ये मुझे पंच मारना सिखा रहा है, इसको तो यूँ फेल दूंगा मैं। ओ एक में नहीं, दो में मरेगा। चलो गया। ओ ये लीजिए, मेरे यहाँ पे लिफ्ट आ गई मारियो स्टाइल में। मैं यहाँ पे आया आया आया। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें बड़ा क्रिएटिव बनाया हुआ है, ये देखिए। ओ इनको फेंकने में बस आगे जाना है। नहीं नहीं अच्छा, इसको फेंकना है मुझे आगे। ओह फेंक दिया। ओहो ये तो बड़ा आसान है, बस आगे करो और फेंक दो। ठीक है, आप जैसे देख सकते क्रिएटिव कितना, हड्डी पीछे है ये सब अंदर। ओ ओए, चलो इसमें पानी में लगता है इसको तैरना नहीं आता होगा, ग्रेविटी को चीर दिया। यहाँ पे मैं एप्पल खाऊंगा, मेरी लाइफ बढ़ेगी। देख सकते हैं आप, ये देखिए सेव का भी इनने कितना मस्त बनाया है। मतलब कि एक नया नया गेम बनाना चाह रहे हैं और इनने काफ़ी हद तक अच्छा ही बनाया है। वैसे मैं भी गेम बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे भी ऐसे ही कुछ बनेगा। अभी तक तो मैं ये भी नहीं बना पाऊँगा, मुझे पता है। पहले मैं कॉइन लूँगा, फिर इधर आऊँगा नीचे, फिर इनकी पिटाई शुरू करूँगा। टैन टैन, जैसे ही आएगा अब इसको पीछे से भी पीटूँगा। ओ यहाँ पे मैंने इसको पीट दिया, मज़ा आ गया सच। ओ मैं इसको ग्रैब करना चाह रहा था, ग्रैब करने में 20 का घाटा रहता है। मैं ये ब्राउन्स के कॉइन लूँगा, जिससे एक कॉइन भरता है मेरा। ओ यहाँ पे एक जगह, ओ मुझे लगता है कि इन पॉटों को तोड़ना होगा और इसके अंदर से कुछ मस्त चीज़ें मिलेंगी। ओ दो बार में टूटेगा लगता है ये। ठीक है, तो हो गया ये। देख सकते हैं कि ये तगड़ा है, मतलब इसका आपको मज़ा आएगा आपको करने में। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे। ये देखिए वहाँ पर डायनासोर के नीचे हड्डी छुपी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक और सेव हो गया और मुझे लगता है वो पॉट लेना होगा। मुझे लगता है कि पहले मुझे गोल्डन पॉट को फोड़ना पड़ेगा, नहीं पहुंच सकता मैं वहाँ। ठीक है, तो मैं पहले इस गोल्डन पॉट को पहले इनको ठिकाने लगाता हूँ मैं। वो लीजिए, मुझे वो पॉट भी फूट गया ऐसे। ये लो इसको, तो मैंने ऐसे ही पीट डाला। ओ यहाँ पे निंजा तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पर ये हांगकॉन्ग के डंडे लेके। ओ मैंने दोनों को एक साथ खलास कर दिया। यहाँ पर पॉट ले लिया मैंने, ये पॉट भी अब मेरा। इनके अंदर से माल तो अच्छा मिल रहा है, देखते हैं कि क्या होगा आगे। वैसे अभी तक तो ये बड़ा मज़ेदार लग रहा है, देखते हैं क्या ये हमें गेम बोर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये बस एप्ल गैबले करते हैं, कुछ बोलते बोलते हैं नहीं, बस फोटो दे देते हैं। ओह अच्छा था। ओ लगता है हमारे यहाँ पे पहला मिशन पूरा हो गया है और यहाँ पे हमने सब कुछ एकदम परफेक्ट किया। 9 आदमी के 9 मारे, डैमेज 20, सीक्रेट एरिया भी मैंने ढूंढ लिया, स्मैश्ड ऑब्जेक्ट भी मैंने 8 तोड़े। तो यहाँ पे अब मैं ये बक्सा खोलना है मुझे। और यू वॉन अ चेस्ट, ठीक है। अच्छा, 2-3 बार क्लिक करना है क्या। 2-3 बार क्लिक किया, मुझे 750 गोल्ड मिल गया यहाँ पे। वैसे अभी तक वो चले, यहाँ पे पंच इंक्रीज करते हैं इसका डैमेज। ये देखिए इंक्रीज हो गया। वो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ डैमेज इंक्रीज हो, नए नए मूव भी हम सीख पा रहे हैं। तो ये नया मूव है टक टक, 3 बार मारना और 3 तरीके वाला कॉम्बो करेगा। हम यहाँ पे लेवल 2 में आ गए।
प्ले करिए, हम रुकेंगे नहीं। देन द मैन, ये देन द मैन मतलब क्या है? उसमें तो वो लड़की भी थी, वो भी एक करेक्टर है हमारा। ठीक है, प्रोलॉग यू, प्रोलॉग यू। ओ यहाँ पे हमारे विलेजर भाग रहे हैं। ओ यहाँ पे हमारे लगता है अब साथ ही मिलेगा निंजा। ओ वाह वाह, लगता है अब हमें थोइंग ड्रैगर्स भी मिलने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मिल गए हैं डैगर्स, निंजा ब्लेड्स। ओ उसके पास गन है। अच्छा अभी चढ़ा रहा है, ओ अभी भी चढ़ा रहा है, ओ अभी भी चढ़ा रहा है। ओ अब वो सतर्क हो गया, देखा आपने, अब उसको गुस्सा आए। जैसे कि आप देख सकते हैं बनाने में इनने कोई कसर नहीं छोड़ी, एकदम क्रिएटिव है, गेस्चर भी एकदम तगड़े हैं। मतलब कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इतना हम लोग लड़ते रहते हैं पबजी फ्री फायर के बीच में, लेकिन उनसे भी अच्छे अच्छे गेम हैं। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छे हैं, वैसे तो ये किसी भी हद में उनकी कंपैरिजन में नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना सही लग रहा है मतलब खेलने में। पहले तो हम छोटे में ऐसे ही गेम खेलते थे, मारियो एक टाइम पे क्या फेमस था वो, हम मैं एक साथ इतने सारे मार सकते, मुझे पता ही नहीं था। एक टाइम पे मारियो भी बड़ा फेमस था, तब मारियो लेने के लिए हम सब मरते थे। अब ऐसे गेम आ गए हैं तो हम लेते नहीं हैं। ओ ये क्या देख रहा है, ये क्या कोई फोटो देख के खुश हो रहा है या आखिरी सलामी ले रहा है? ओ यहाँ पे सतर्क हो गया, ये इसने ये सतर्कता को मैं कैसे मिटाऊं इसकी? ओहो इसको कुछ पता ही नहीं थी कि मैं इसको पीछे से हमला करूँगा, इसको उधर मुड़ने। ओहो ये कुछ तो देखता है पीछे। ओ यहाँ पे भी सतर्क हो गया, उसने वो चिकन निकाल लिया उसके अंदर से। ठीक है मैं इसको ठोकने वाला हूँ यहाँ पे। ओह ये पास में आके इसने कॉम्बैक्ट किया, लेकिन ये मुझसे बच नहीं पाएगा और मैंने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया। वैसे गिर के कहाँ, खाई में फेंक देता है क्या? यहाँ तो हर ही जगह खाई है। मैं इस चिकन लेग पीस को नहीं ले सकता क्या? चिकन लेग पीस। तो चलिए यहाँ पे सेव हो गया लगता है। अब हमें यहाँ पे गन मिलेगी, यस हमें गन मिल गई। तो मैं गन से इनको मार रहा हूँ, वो गन से 20-20 का डैमेज दे रहा है वो, मैंने इनको गन से ठोक डाला। पर मैं गन अपनी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डैगर्स का इस्तेमाल करूँगा। मैं इसमें ये तो बड़ा आसान है। ओह थोड़ा मुझे पता नहीं था कि, चलिए इसको तोड़ते हैं इसके अंदर से। मुझे इस गोल्डन वाले के अंदर से मुझे पक्का सेव वे भी मिलता है। वो पहले इसको मारना पड़ेगा, इस पास गन है लेकिन शॉर्ट गन है तो शायद कुछ। ऊपर वाले के पास आप देख सकते हैं क्रोबार है। चलिए मैं इसको तोड़ मार के ये देखिए, इससे कुछ ना कुछ तगड़ा मिलता है। मुझे यहाँ पर डैगर मिला यार, नहीं नहीं क्रोबार नहीं तो डंडा, ये नॉर्मल। ओ मैंने से पानी फेंक दिया, उसका कुछ मिला नहीं मुझे। ठीक है मैं ये चढ़ा हूँ पहले। ये तगड़ा मूव था, कूद के एक मुक्का मारना का था। अरे हाँ मैंने मूव अभी तक देखे नहीं, अब मुझे मूव पहले सीखने पड़ेंगे। मुझे लगता है बादल मुझे जल्दी कूदना पड़ेगा नहीं बुझ जाएंगे ना। ओ यहाँ हो गई थोड़ी, मुझे लगता है ना कि बादल पिघलेंगे जैसा मैं सोच रहा हूँ। हाँ खड़ा हो गया मैं इन पर। यहाँ पर मैं सेव ले लेता हूँ और ये थोड़ा कैश है इनको भी लूँगा। मैं वापस जाऊँगा ऊपर, मुझे लग रहा है वो चिड़िया कुछ देंगी मुझे। ओ कुछ नहीं हुआ, चलो कुछ नहीं होता। यहाँ पे मछली मरी पड़ी है, इतना सारा कलेक्शन मछली को। ये ऑल द शॉप शोपे लगते कोई और भाषा का गेम है, लेकिन क्या अच्छा क्लिक मुझे पता नहीं चलता। ओ यहाँ पे हम गन बाय कर सकते हैं, इसके पास तो AK-47 सब पड़ी है, सेब है एकदम बहुत अच्छे। ओ दुकान भी बंद कर ली भिखारी ने। ये ऑल द शेप, ये जो भी है मस्त है, आप इसको सपोर्ट करिए। था अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही तगड़ा तगड़ा बनाता रहूँगा। यहाँ पे मुझे ग्रे, ओ मुझे मिल गया लॉन्चर, मैं अभी उनको नहीं बाद में ठोकूंगा। ओ यहाँ पे ये प्रकट हो गया, मैं इनको उठा के मैंने फेंक दिया। ओ नो मेरा कॉइन ले गया वो, ये लो ये तो, इसको तो मैं फेंक के ही मार दूंगा ऐसे ही। ओ नो यहाँ पे वो ये टकले लोग आ रहे हैं। ओ या क्या हो, लात मारिया तगड़ा। ओ यह चिल्लाता भी है, तगड़ा है। ठीक है अब मुझे उन लोगों को ख़त्म करना है, पहले मैं उस इस नदी को पार करता हूँ। तो पहले इसको तोड़ लेता हूँ मैं, मुझे मिल गया। और मुझे क्या करना, पहले इसको जल्दी मारूँगा गोलियों से, फिर इसको जल्दी गोलियों से मारूँगा, उससे पंगा लेते। आप बताइए क्या मुझे इसमें और एडिटिंग करनी चाहिए, जैसे कि साउंड इफेक्ट डालने चाहिए या फिर ऐसे ही नॉर्मल तरीके से गेम प्ले? मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी एडिटिंग करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथी इसको मार रहे हैं। ओह ये राइनो बन के इनने हरा दिया, अब ये लगता है मौत की भीख मांग रहा है, मतलब कि हमारी मदद मांग रहा है। मैं क्या सोचा मैं इसके पीछे जाके मारूंगा,
अगर ऐसा होगा वरना तो ओ यहाँ तो हो गया कंप्लीट। सीक्रेट एरिया भी ढूंढ लिया मैं, हर बार एक सीक्रेट एरिया मैं ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारी एक और चेस्ट खुल गई है, अब देखते हैं इस चेस्ट में क्या मिलता है। अरे हाँ क्लिक कर रहा हूँ ना भाई, थोड़ा कमेंट्री के लिए भी थोड़ा छोड़नी चाहिए ना जगह। ठीक है तो मैं इसमें लगातार टक 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 करके खोलूंगा और यहाँ पे 250 गोल्ड मिल गया मुझे। ओके ये थोड़ा हटने में टाइम ले रहा है। वो अब यहाँ पे ये लात की आग, बेसिक पावर अटैक, हार्ड टू लर्न, हार्डर मास्टर। हम अच्छा मैं अगर इसको होल्ड करा रहूँगा तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे सैंक्ची बन के मारेगा। सैंक्ची से याद आया, यहाँ पे तो सारी फिल्में भी देखना बंद हो गया कोरोना वायरस। हाँ कोरोना वायरस से याद आया, आप लोग घर में ही रहिए, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो कुछ नहीं है, अभी तो मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं। उन लोगों का ही मुश्किल है जिनके जो नौकरी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। 31 मार्च तक है अभी मेरे ख्याल से, अगर नहीं होगा तो ज़्यादा गुस्सा मत करिएगा। कोरोना वायरस से बचे रहिए ना, तो मेरे वीडियो देखने लायक नहीं कोई बचेगा। लीप इनटू एक्शन, तो मैं इसको पीछे से करूँगा। ओहो ओहो ओ अच्छा, ये मुझे लगता है कि इसने कहा होगा कि मैं भी तुम्हारा हाल उन्हीं लाल निंजाओं की तरह कर दूंगा, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसका काल बैठा है इसके पीछे। वो मैं इसे उठा के नहीं फेंक सकता, लेकिन मैं इसको ये कर सकता हूँ, ये लो ये लो। ओ अच्छा है अच्छा है, इसको ब्लॉकिंग, गुस्सा आ रही इसको। मैं वो सेंची वाला करना चाह रहा था मूव, लेकिन कर नहीं पाया। यहाँ पे हम धीरे धीरे करके आगे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे मेरा सेव हो गया है, यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सच में। ये नए नए मूव जो खुल रहे हैं ना, उसने मज़ा दिला दिया है। ओके यहाँ पे ये मैं इसको वही मूव मारूंगा। अरे ये ओ मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये खुद नहीं छोड़ेगा। दूसरी बार वही करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे अब चाकू मिलेगी, थ्रोइंग नाइफ। ओ ये शील्ड वाले को अगर हम डैगर से मार सकते हैं। गुस्सा आने की याद होती। वैसे अगर आप ये जो वीडियो जो भी देख रहे हैं, क्या अगर वो गेम बनाता है ऐसे 2D टाइप, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं शायद आपका गेम खेल के आया, आपको थोड़ा प्रमोशन दे दूँ आपके गेम का, अगर आप बनाते हैं तो ही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं एक टाइप का ये प्रमोशन ही कर रहा हूँ इस गेम का, ये वैसे तगड़ा है, आप एक बार खेलिएगा। ओ नो पत्ती लगी है। मैं इसको मारूंगा, ऐड देखना पड़ेगा। और बाय प्रीमियम एंड रिमूवल, बहुत कुछ मिल सकता है इसके अंदर से। बाय करता हूँ, ठीक है। नो नो अभी मैं गरीब हूँ, रहने दो, ये सब नहीं कर पाऊँगा मैं। ठीक है तो देखता हूँ क्या होता है। मैंने इसको थोड़ा ओ माफ़ करिए, मैं इसको नेट बंद करके खेल रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा नेट ख़त्म हो गया है। ठीक है तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको रहने देते हैं। वैसे भी गन ही देगा। ओ लगता है यहाँ पे बॉस फाइट आ गई। ओ नो ये मेरे सिविलियन को कैसे डरा रहा है। ओ यहाँ पे मेरी फौज आ रही है इसको ठोकने के लिए, और यहाँ पे मुझे लगता है कि बस चलिए कुछ नहीं होता, जंग में हार जीत होती रहती है। तो यहाँ पे अभी इनको भगा देगा, क्या होगा मुझे ही इनको काम तमाम करना होगा इसका, और क्या। पर इसका काम तमाम कैसे होगा मुझे ये नहीं आया समझ में। चलिए देखते हैं क्या होगा। चलिए आया चल के हम बढ़ रहे हैं बिल्कुल घटिया तरीके से। हम यहाँ पे फाइट हो गया। अरे ट्यूटोरियल सिखाओ तो बॉस को हराते कैसे हो। मैं चाकू से मार के और नो इसको मुझे लगता नहीं है। ओ इसने कूदा और ओ मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ, आगे पीछे कुछ हथियार नहीं मिल रहा और वहीं पे भी आके मार रही है। तुम लोग इसको मुक्के हो, इसको ऐसे ही हराना पड़ेगा पास से आके। ओह और पटकी मारी इसने और को नहीं हो गई देरी। अरे चाकू मारना था तभी हो, मैंने इसे मुक्का मारा तू क्या करूँ। अरे ये कूद के आ रहे। अरे यार मैं अपने वो सेंची वाला इफेक्ट दे रहा था, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं इसको जल्दी मार रहा हूँ, इसकी जंप से बचूँ कैसे मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको मुझे लगता है कि जिसके जंप में कूदना है लेकिन कूदने में मुझे घाटा लग रहा है। रुको मैं इसको पीट डालता हूँ, अभी सही टाइम में पिटेगा बिल्कुल। अरे आप उसकी फ़ोटो देखी कैसे बन गई है। अरे यार ये तो मार ही देगा, कूदो। अरे अरे बाप रे, अब लाइफ कम होगी, मर जाऊंगा। अरे पैरों से मार देगा, अरे मार देगा भाई। अरे 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 घुसेड़ के मार रहे वहीं पे बगल में ही, क्या करूँ। वो गया 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 गया, मार 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 मार, कोई तरीका तो होना चाहिए था खत्म करने का। जो हो गया ख़त्म,
मतलब कि अगर मैं ऐसे नहीं कर पाता। ओ ये देखिए यहाँ पे मेरे आगे निंजाज, और यहाँ पे ये देखिए कैसा मस्त नाच रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में बस इतना सर्च मारना है आपको, डैन द मैन। इसका मुझे मतलब नहीं मालूम क्या होता है, वैसे देख लीजिए अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इसको कॉल कर रहा है और ये मुझे लगता है अपने बॉस को बताएगा। चलिए यहाँ पे प्रोलॉग यू 3 कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और हाँ घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए, फालतू में क्या मिलने वाला है। और हाँ मास्क लगाइए अगर बाहर जा रहे हैं तो, और गाइडलाइंस यूज़ करिए WHO के द्वारा, और एरू गैरू की बातें मत सुनिए जो आपको अगर नेट में मिल रहा है तो आप उनकी ओरिजिनल वेबसाइट में जाके देखिए, वरना तो ऐसे मत देखिए। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।